वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मिती 27 चेत नानक शाही संमत 556 मुताबिक 9 अप्रैल 2024 नूं पंज सिंह साहिबान की इकत्रता श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे हुई, जिस विच दीर्घ विचारां करके हेठ लिखे अनुसार फैसले लै गए। नंबर 1, खालसा साजना दिवस के 325 साल पूरे होण ते मिती 13 अप्रैल 2024 नूं हर सिख अपने घरां उपर खालसाई निशान झुलावे। इस दे नाल ही सारी कौम नूं संदेश है कि आओ अग्ञानता रूपी आत्मिक धुंधुकारे विचों बाहर निकल के सच धर्म दे पांधे बणन दे यतन करदिआं साबत सूरत हो के अमृतधारी होईए। अते दशमेश पिता सरबंस दाने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा अपना पूरा सरबंस वार के साडे लई खुशहाल कीती खालसाई फुलवाड़ी दी महान विरासत दे वारस बनीए। नंबर 2, मिती 13 अप्रैल 2024 नूं खालसा साजना दिवस विसाखी वाले दिन सवेरे 9 बजे संसार भर विच वसदा हर सिख समूहबंदी सिंघां दी रिहाई अते खालसा पंथ दी चढ़दी कला लई 5 मिनट मूल मंत्र गुरमंत्र दा जाप करके गुरु चरणा विच अरदास करे। जून 1984 दे श्री दरबार साहिब, श्री अमृतसर, श्री अकाल तख्त साहिब अते होर गुरद्वारा साहिबान ते भारत सरकार वालों कीते फौजी हमले दे 40 साल पूरे होण ते होण मौके पूरी कौम मिती 6 जून 2024 नूं आपो अपने नेड़े दे गुरु घरां विच शहीदी समागम उलीके गुरबाणी दे जाप कीते जाण अते दीवान लगा के नवीं पीढ़ी नूं भारतीय हुकूमत वालों सिखां उत्ते कीते जुल्मां दी दास्तान सरवण करवाई जाए। मिती 7 अप्रैल 2024 नूं भाई अमृतपाल सिंह दे परिवार अते नाल कुछ होर सिंघां नूं पंजाब सरकार वालों गिरफ़्तार किया गया, जो कि बहुत ही मंदभागा वर्तारा है। नगर कीर्तन सिख परंपरा का हिस्सा है। नगर कीर्तन नूं रोक के संगतां नूं तंग परेशान करना साडी सिखी परंपरा उत्ते हमला ऐलान किया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।